कुछ ही पलों का इंतजार है और ईडी की टीम गिरफ्तार हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। एक दिन पहले ही 7 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रांची में पूरी रात यह हाई प्रोफाइल ड्रामा आपने देखा होगा, जिसमें इस्तीफे के साथ साथ गिरफ्तारी की गई। सात घंटे सवाल, फिर सोरेन की गिरफ्तारी। ईडी दफ्तर में कटी सोरेन की रात। सोरेन की गिरफ्तारी, रांची में हाई प्रोफाइल ड्रामा। पटकथा लिखी जा चुकी थी, कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि सोरेन की गिरफ्तारी पक्की है और वही हुआ। बीती रात ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दोपहर 12 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल तेज हो गई थी। जेएमएम के विधायक सीएम आवास पहुंचने लगे थे। उसी सीएम आवास में सोरेन से ईडी पूछताछ करने वाली थी। दोपहर 1:10 पर ईडी टीम अपने दफ्तर से सीएम आवास के लिए निकली। करीब 1:30 बजे जांच अधिकारी सीएम आवास पहुंचे। हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे की मैराथन पूछताछ चली, फिर ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही सियासी तस्वीर साफ होने लगी। रात करीब 8:10 पर जेएमएम के सभी विधायक राजभवन पहुंचे। 20 मिनट बाद ही ईडी टीम के साथ हेमंत सोरेन भी राजभवन पहुंचे और सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। रात करीब 9:30 बजे सोरेन के साथ ईडी टीम अपने दफ्तर पहुंच गई। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल से बता दिया कि अपने नए विधायक दल के उनके नेता चंपई सोरेन हैं और उन्हें 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। सोरेन के ईडी दफ्तर पहुंचते ही उनकी पत्नी कल्पना भी वहां पहुंची और देर रात तक वहीं रुकी रही। करीब 1 बजे ईडी ऑफिस से कल्पना सोरेन बाहर आई तो ना उन्होंने मीडिया से बात की और ना ही किसी को कुछ कहा। गाड़ी में सवार होकर निकल गई। रात करीब 11:30 बजे मेडिकल टीम ने ईडी दफ्तर पहुंचकर मेडिकल चेकअप की औपचारिकता पूरी की। उसी वक्त झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन भी ईडी दफ्तर पहुंचे। पूरे दिन ईडी अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने वाली सीआरपीएफ टीम भी रात 1 बजे ईडी कार्यालय से चली गई। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पंक्तियां लिखकर अपना इरादा बता दिया। लिखा कि हार नहीं मानूंगा, जीवन महासंग्राम है। गिरफ्तार हेमंत सोरेन की पूरी रात ईडी दफ्तर में कटी और अब जांच एजेंसी उन्हें कोर्ट में पेश करने वाली है, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी। अनुपम मिश्रा और चित्रा त्रिपाठी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़ गई हैं। चित्रा, आपने तो पूरी रात का एक्शन देखा है और इस एक्शन में सबसे अहम था गिरफ्तारी। आज जब कोर्ट में पेशी होनी है हेमंत सोरेन की, तो वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिख रहे हैं जिससे ये जाहिर होता है कि वो हार नहीं मानेंगे। अब विकल्प क्या बचा है हेमंत सोरेन के पास? देखिए, कोर्ट का दरवाजा नेहा उनकी ओर से खटखटाया गया है और ईडी के समन के खिलाफ उन्होंने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इन सब के बीच ईडी उनको लेकर कोर्ट जाएगी सुबह 10 बजे और वहां पर सबूतों के साथ कोर्ट से यह आग्रह करेगी कि उनको रिमांड दी जाए ताकि और ज्यादा पूछताछ जमीन घोटाले के मामले में की जाए। हार नहीं मानूंगा ये बातें कहकर दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिए जाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन ईडी के अधिकारियों का ये कहना है, सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है, कि उनके पास सोरेन को लेकर पुख्ता सबूत हैं और फिर आगे उनकी राह और ज्यादा मुश्किल भरी रहने वाली है, इसी वजह से उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये एक राजनीतिक दरअसल भरोसा दिखाने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं की ओर से भी की जाती है। मेरी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूदगी है, झमाझम बारिश इस वक्त यहां पर हो रही है झारखंड में, रांची में जहां पर मैं मौजूद हूं। मैं चाहूंगी सत्य जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। सुरक्षा के बेहद जबरदस्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको बताते चले ईडी का ये वही दफ्तर है जहां पर बीती रात से ही हेमंत सोरेन को रखा गया है और कुछ ही देर के बाद यहां से लेकर सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी की ओर से। वहीं आदिवासी मूलवासी संगठन ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया हुआ है। 10 बजे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा। यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। बीती रात ही हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा दिया था। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे, लेकिन उनको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि राज्यपाल उन्हें शपथ के लिए समय कब देंगे। इस बारे में अब तक कोई भी कंफर्मेशन उन लोगों को नहीं मिली।
रही है और चंपई सोरेन और उनकी पार्टी इसके बारे में इंतजार की जा रही है। लेकिन कुछ देर लेकिन एक बहुत दिलचस्प तस्वीर कल देर रात सामने आई थी जिसमें हेमंत सोरेन थम्स अप साइन के साथ विक्ट्री साइन के साथ दिखाई दे रहे थे अपनी इनोवा गाड़ी में। लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट गए और क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। ईडी गिरफ्तार करने आई है, दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुयारी जमीन क्या जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है।